हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं, वाह बड़े मौज कर दी, ट्रेंडिंग मीम्स, इंडियन मीम्स फ्रॉम द चैनल मीम हब। तो मीम हब का जो पिछला वाला मीम वीडियो था, इट वाज चुम्मेश्वरी, लिटरली चुम्मेश्वरी। और इस बारी चुम्मेश्वरी हो, आई एम लाइक होपिंग, क्योंकि मीम हब ना अभी फिलहाल कैसा है, मतलब एक एक वीडियो से इट्स बीन इम्प्रूविंग वेरी नाइसली। तो ये वाला भी बहुत मजेदार हो गया, आई एम एक्सपेक्टिंग सो वेरी मच। सो लेट अस सी हाउ ये मीम हब का मीम वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। का आंसर है सी, बोथ वन एंड टू। एक्चुअली में 69 में हमेशा दो सही होते हैं, क्योंकि बिकॉज़ इट विल ऑलवेज टेक टू पीपल, सॉरी टू टू ऑप्शंस टू गेट इट करेक्ट। यू कैन नॉट हैव द 69 एज करेक्ट अनटिल यू हैव टू, बिकॉज़ यू कैन नॉट डू सिक्स। यार क्यों एग्जैजरेट कर रहे हो भाई यार। और आपका दादा का भाई का सबका बदला ले सकते अभी रेस्ट करता हूँ, टेंट के अंदर चलते हैं, थोड़ी देर सोते हैं। अब आपको दिखाते हैं जादू, लाइट्स ऑफ करते हैं। बड़ा है छोटा है? बहुत बड़ा है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मुझे शुगर डैडी बुला सकती हो? क्यों? क्योंकि मुझे चीनी खा के तुम्हारी माँ बस यार नहीं यार। पहली बात तो अगर हम स्टार्ट करें तो ये दोस्तों हमारे पास में एक 3D कर्व्ड पी ओलेड स्क्रीन है, 6.7 इंच का स्क्रीन निकल के आता है, 144 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। मतलब स्क्रीन पे आपको जो भी कलर्स मिल रहे हैं, जो भी स्क्रीन रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो सारे कलर्स आर स्ट्रेट वैलिडेटेड बाय पेंटोन फॉर कलर एक्यूरेसी। ये है आम जिंदगी। स्क्रीन साइज, स्क्रीन साइज है ना। आप लोगों ने कभी हाथी का देखा? इस फोन को हाथ में लेने के बाद ऐसा फीलिंग आता है जैसे हाथ में हाथी का आ गया। मैं सिर्फ साइज की बात कर रहा हूँ। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। यहाँ सब आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप मुझे लेक्चर देने आए हैं देन आई एम नॉट अप फॉर इट। नो आई मीन आई एम जस्ट क्यूरियस कि आप कैसे कर लेती हैं आप? A few moments later. तुम्हारे लिए कुछ है। पोर्टेबल पति। ढोलो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तुमने क्या किया? फुल एक मिनट तक हाथ धोने चाहिए, नहीं तो कीटाणु नहीं जाते। धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? अपना काम कर रहा। म्यूजिक। बंटी को गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है। Hey, come look at this. नहीं हो रहे दुख दर्द खत्म, नहीं हो रहे घर की चिंता, काम की चिंता, पढ़ाई की चिंता, उनकी हाँ। चिंता चिंता ही चिंता है दोस्तों, क्या करें, कैसे छुटकारा पाएं। मान ली है आप हैं और ये है चिंता। चिंता की नजर पड़ी आप पर, आप लगे भागने, चिंता पड़ गई पीछे, आखिरकार आपको मात दे दी इस उसेन बोल्ट की ने और घुस गई आपकी गांड में। घबराए नहीं, हमारी एक प्लेट चौमिन के बदले गांड देने वाली रिसर्च टीम ने एक ऐसा उपाय ढूंढ निकाला है जिससे आप अपनी सभी चिंताओं से छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन दोस्तों उपाय सुनने के बाद हमारी खुद की चिंता घटने की जगह दुगनी हो गई, और हम नहीं चाहते कि आपकी भी हो, तो कहीं और जाके उपाय ढूंढे, हमें माफ करें। तो चिंता की नहीं। क्या यार, तो वो मजेदार चीज क्या है सुनियो? बताओ। चलो अब जल्दी से बता भी दो सुनियो। अरे दोस्तों ज्यादा परेशान मत हो, बस मैं अभी दिखाने वाला हूँ। Naughty America, nobody, nobody, nobody does it better. सर ठीक है, नो भी तो वो नॉटी हो रहा है। नॉटी हो रहा है। Excuse me sir. Yes.
But what would happen if, for some reason, we ignore and somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? 100%? 100%? Yes. नमस्कार मैम, मेरा नाम सुनीता है। हाँ जी सर, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। एक बात पूछनी थी। हाँ जी। वो जियो का फोन होता है ना छोटा वाला। हाँ जी सर। तो वो पानी में गिर गया था। हाँ जी सर। फिर उस किसी में ना निकाल के और वो रख दिया फोन। हाँ जी सर। फिर वो सिम है ना भैंस की खोल में पड़ गई, भैंस होती है ना। हाँ जी सर। तो वह सिम फिर भैंस खा गई और मैम प्रॉब्लम हो रही है, अनलिमिटेड दूध दे रही है और अनलिमिटेड गोबर कर रही है। मैम बहुत गंभीर समस्या आई है, देखो आप इसका सोल्यूशन तो कर दो। सॉरी सर, ये सॉल्यूशन सर इसकी जानकारी सर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सर आप जियो से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो मैम आपको जानकारी दे सकते हैं। मैम वो जो सिम जियो की थी। हाँ जी सर, अगर आप वो जियो की सिम पे लेकिन सर आप मुझे जो बता रहे हो सर हम दे सकते। मैम वो आप ये बताइए। हाँ जी। वो सिम अगर हम बंद करवा देंगे। हाँ जी सर। तो फिर वो दूध देना कम कर देगी जैसे पहले देती उतना कर देगी। सर मैं आप सर अनुरोध करूंगी कि अगर आप जियो की जानकारी लेना चाहते हो सर हम वो आपको बता सकते हैं सर, जो आप बात कर रहे हो सर उसके बारे में हम कोई भी जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा, अगर आप सिम को बंद करवाना चाहते हो तो सर आप ये प्रोसीजर कर सकते हो। ठीक है मैम, ओके करेंगे, कुछ तो करेंगे, आप खुद ही करना पड़ेगा। सर आप सिम को बंद करवाना चाहते हो या ना? मैम तो अनलिमिटेड दूध ही पीऊंगा। ओके सर, सर कॉल के बाद सर आपके पास कैसे मिल जाएगा सर, वहाँ पे जाकर फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरा भी आपको कॉल करना। बहुत अच्छा लगा, अनलिमिटेड जी मैं कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स मैम, आपका दिन भी शुभ हो। नो आईडिया। I have no idea. सच्ची में अनलिमिटेड गोबर और अनलिमिटेड दूध। हाँ यार, ये लास्ट वाला ना अनलिमिटेड दूध और अनलिमिटेड गोबर वाला, क्या लिटरली पता है ये ऐसे चीजें कब आती है मुंह से जब वो गुस्सा आता है। ये मेरे साथ हाल ही में हुआ है, हाल ही में क्या कल ही हुआ है भाई। एक्चुअली जो हमारे घर में दो वाईफाई हैं, एक मेरे वो एक स्टूडियो में एक है, एक अंदर घर के अंदर एयरटेल का ही है। तो घर के अंदर वाला लाइक फॉर 3 डेज बंद था। हम इतना पीछे पड़ रहे थे उनके कि भाई करो, क्या प्रॉब्लम है टेक्निकली, वो हो गया, फिर से चालू हो गया है ना, 3 दिन बाद चालू हो गया 11 बजे। उसके बाद पूरे शहर के वाईफाई बंद हो गए 12 बजे। आई वॉज लाइक भाई एयरटेल में इतना गाली आ रहे थे मेरे मुंह में, मैं सच्चे में बोलू बड़ा आई वॉज लाइक पेशेंस। और लास्ट में वो कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद भी एवरी टाइम वो कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। और लास्ट में कस्टमर केयर को कॉल किया, भाई साहब इतना सुनाया उनको, लिटरली इतना सुनाया, देर वॉज नो एनी लिमिट टू दैट। मेरे को सच्चे में वो गुस्सा आने पर ही ऐसे सारे बातें आती है, सच्ची होता है ये मेरे साथ सच। और उसके बाद आई गेस 12 आवर्स के बाद वाईफाई आया फिर से, मेरा काम सब कुछ एवरीथिंग वॉज बंद वहाँ पे। वो के ब्रांच मेरे को वीडियोज मांग रहे थे कि भाई क्या क्या हुआ, आप वीडियोज नहीं दे रहे हो करके एंड एवरीथिंग। ये ऐसा चक्कर भाई, मतलब बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, कभी कभी वाईफाई मतलब पूरे शहर का आउटेज कैसे हो सकता है भाई, मेरे को ये बोलो। पहले तो ये कि तुम घर का जो वाईफाई है 3-3 दिन बंद रख रहे हो और उसके बाद 24 घंटे के लिए इंटरनेट आउटेज। सल्यूट है भाई तुम एयरटेल वालों को, वेरी नाइस। मतलब हमने काम ना करे ऐसे ही बैठे रहे हाथ धरे हुए और तुमको कुछ बोलो तो कॉल कट कर देते। लिटरली मेरे ऐसा हुआ, जब मैं उनको सुना रही थी उसने कॉल कट किया मेरे मुंह पे। एयरटेल हैज द बैडेस्ट कस्टमर सर्विस पीपल इन टू देयर कॉल सेंटर सच्ची। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।